नक्सल प्रभावित क्षेत्र रुकजर में सीआरपीएफ के द्वारा किया गया वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भी 123वीं बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र रूपजर कैंप में रूपजर क्लब के युवाओं के साथ फ्रेंडली वॉलीबॉल प्रतियोगिता मुरारीलाल रेंगर सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस स्पर्धा के दौरान भी 123वीं बटालियन के अधीनस्थ अधिकारी के साथ जवान प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सीआरपीएफ की टीम के साथ रूपजर क्रीडा क्लब की टीम सम्मिलित हुई तथा रूपजर क्रीडा क्लब की टीम के प्रतियोगी को टी शर्ट का वितरण किया गया। रूपजर वॉलीबॉल टीम और सीआरपीएफ की टीम के साथ में एक फ्रेंडली मैच रखा गया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव इस समय देश मना रहा है, उसी कड़ी में हमने भी आज ये प्रोग्राम रखा था। इसमें विजेता हमारी सीआरपीएफ की रही थी, क्योंकि इसका मकसद यह है यहाँ पर हमने ये करवाने का, क्योंकि आज़ादी का मतलब भी अभी यहाँ के लोगों को पूर्ण रूप से नहीं आ रहा है और हमको 75 साल हो गए इस आज़ादी को, और इसका हमको जितना हर्षोल्लास से मनाना चाहिए था और जो एक प्रगति होनी चाहिए थी। अभी भी हम लोग विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं, जो विकास होना चाहिए था देश में वो मतलब नहीं हो पाया है, और हमको मिलकर इसको और अग्रसर लेके विकास को तक पहुंचना है। मतलब सर, आप अभी रूपझर में आपकी कंपनी पदस्थ है, तो आपने रूपझर के ही युवाओं के साथ में मैच का आयोजन रखा गया था? जी, रूपझर की टीम थी। रूपझर की टीम थी। अच्छा, और अभी हम निकट भविष्य में आसपास की टीमों को भी बुलाएंगे। अच्छा अच्छा, कंपटीशन करवाएंगे, वॉलीबॉल टीम का कंपटीशन करवाएंगे, और उनको यही संदेश देंगे कि देश को कैसे हम आगे बढ़ा सकें, क्या हम योगदान कर सकते हैं, चाहे वो खेल के माध्यम से हो और कोई जो इस तरह के अभियान है उनको योगदान दें। जी जी, आपका परिचय सर? मैं मुरारी लाल देगर, असिस्टेंट कमांडेंट। थैंक यू। उकवा से अशोक राउत।